बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब दोस्त खैरियत होंगे। आज की वीडियो आप देख रहे हैं साहिवाल बकरा मंडी यूट्यूब चैनल के ऊपर। जुवेल भाई का चैनल है, बैक हैंड पे जुवेल भाई कैमरा संभाले हुए हैं और आज हम मौजूद हैं फैसलाबाद के अंदर एहसन भाई का शेड है, उनके पास आए हैं। एहसन भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। एहसन भाई, सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि ये आइडिया कहाँ से आया आपको? ये मेरे भाई आइडिया तकरीबन 1.5 से 2 साल पहले मैंने यूट्यूब से ही देखा था। एक असलान भाई हैं लाहौर के, वो फ्रांस से आके उन्होंने यहाँ पे पाकिस्तान में बिल्कुल लेटेस्ट मॉडर्न फार्मिंग मुतारिक कराई है, उस आइडिया की वजह से हमने इसको आगे लेके चले। सही है। और मुझे ये बताएं इस सेटअप की लंबाई और चौड़ाई कितनी है और इस पर टोटल खर्चा कितना आया? मैं भाई इसकी जो लंबाई है वो 100 फिट है और चौड़ाई इसकी 13 फिट है और इस पे जो टोटल खर्चा आया मैं भाई तकरीबन 15,000 रुपये है। इसमें हर चीज़ इंक्लूड है, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिसिटी, फैंस और हर चीज़। छत तो नहीं है? छत छत पहले से थी। सही है। और मुझे ये बताएं कि इस सेटअप पे एक टाइम पे कितने एनिमल्स आ सकते हैं? मैं भाई इस सेटअप पे एक टाइम पे अगर आप इजीली रखना चाहें ना कि जानवर तंग ना हो तो आप 100+ इजीली कर सकते हैं। अगर आपने कंजेस्टेड काम करना है कि जानवर तंग हो जाए तो आप 200 तक भी लेके जा सकते हैं। ठीक है। और मुझे ये बताएं कि इस सेटअप पे लकड़ी कौन सी इस्तेमाल की गई है, इसकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है और इनमें स्पेस कितनी है? मैं भाई इस सेटअप पे हमने जो लकड़ी इस्तेमाल की है वो देसी किकर की इस्तेमाल की है और इसकी लंबाई 6 फिट है और इसकी जो चौड़ाई है वो 3 इंच है और इसकी जो मोटाई है वो 1 इंच है और उन दोनों लकड़ियों के दरमियान जो स्पेस है वो 600 के करीब। ठीक होगा। और इस सेटअप में आप अपने जानवरों को सर्दियों और गर्मियों से कैसे बचा सकते हैं? मेरे भाई इस सेटअप में गर्मियों के लिए हमने फैंस लगाए हैं, हर अपने पार्टीशन में आप देख सकते हैं कि हमने फैन लगाए हैं बड़े वाले। और वो दूसरा ये कि हमारी ये जो स्पेस है पूरा हॉल बड़ा वेंटिलेटेड है और इसमें आप देखें कि हवा चलती रहती है, बिल्कुल आपको हवा फील हो रही होगी। और दूसरा ये कि जो सर्दियों की बात है, सर्दियों के लिए हमने सारी चिक्कियाँ लगाई हैं इसको, वो चिक्कियाँ इसको कवर कर देती हैं। हमने टेम्परेचर मीटर भी लगाए हैं, जो मैं बताता रहता हूँ अंदर का टेम्परेचर क्या, और ये सारी चिक्कों से तकरीबन 6 डिग्री तक का फर्क पड़ जाता है। और इस सेटअप को कितने बंदे मैनेज कर सकते हैं? मेरे भाई इस सेटअप को एक बंदा मैनेज कर सकता है, आप चाहे यहाँ पे 200-250-300 बकरे रखें। और इस सेटअप की सफाई वगैरह कैसे करते हैं और जो सा वेस्ट मटीरियल उसका क्या करते हैं? मैं भाई इसकी सफाई जो है बहुत इजी है, यहाँ से वेस्टेज नीचे जाती है, सारी यूरिन खुद ही बह के नाली में चला जाता है, वो आगे हमारा चला जाता है, हमने ड्रेन बनाई है वहाँ पे। तो जो इसकी जो मैंगन है जो वो भी बह जाती है, जो रुक जाती है उसको पानी के प्रेशर के साथ निकाल देते हैं यहाँ से। आप फील कर रहे हो यहाँ पे आपको कोई स्मेल वगैरह कोई स्मेल नहीं है, साफ सुथरा माहौल है। और जो मैंगन है उसका क्या करते हैं? देखिए ये जो यूरिन है हम जो जानवरों के लिए चारा लगाया है यूरिन उधर चला जाता है, ठीक है, और जो मैंगन है उसको हम उठा लेते हैं साइड पे खुश करने के लिए रख देते हैं, उसको खुश करके हम अपने पौधों में फार्म पे लगा देते हैं। ठीक है। और आप मुझे ये बताएं कि पर एनिमल्स पे आपका खर्चा कितना आ रहा है और क्या चीज़ जा रहे हैं? मेरे भाई पर एनिमल पे हमारा खर्चा तकरीबन 50 रुपये के अराउंड आ रहा है। हम 2 टाइम इनको खाना खिला रहे हैं, 1 टाइम हम इनको अल्फाल्फा खे दे रहे हैं और दूसरे टाइम हम इनको TMR दे रहे हैं, पंजाबी टी एम आर हमारा ब्रांड है अल्हम्दुलिल्लाह जी, साहिवाल में पहली दफ़ा लॉन्च किया है। तो जो भी भाई परचेज करना चाह रहा है तो नंबर जुवेल भाई मुझे दे देंगे और आप मेरे से सकते हैं। अच्छा एहसन भाई, मुझे ये बताइएगा किस ब्रीड के ऊपर काम कर रहे हैं और किस पर्पस के लिए काम कर रहे हैं? मेरे भाई हम इस वक्त जो है ना अमृतसरी बीतल और नागरी पे कर रहे हैं, बेसिकली नागरी की आगे स्ट्रेन है अमृतसरी और नागरी, बिल्कुल बीतल की स्ट्रेन है, तो उन पर काम कर रहे हैं और ब्रीडिंग के लिए काम कर रहे हैं। ब्रीडिंग के लिए अगर कोई शौकीन है ज़रात आपका सेटअप और या फिर जानवर परचेज करना चाहे तो क्या आप इजाज़त देंगे? सर सेटअप के लिए हम हर बंदे को गाइड करेंगे जो शौकीन है, जो करना चाहता है, सही, चाहे वो छोटे से छोटे एरिए में भी करना चाहता है, बड़े से बड़े में भी करना चाहता है, हम उनको प्रॉपर गाइड करेंगे इस मामले में। और जहाँ तक परचेजिंग की बात है हम अपने बच्चे ज़रूर सेल करेंगे, जो इन बकरियों के बच्चे हैं जो आपकी ब्लड लाइन तैयार होगी वो आप बेचेंगे, उसकी एज रिक्वायर्ड है यानी कि दूध पीता बेचेंगे या नहीं? हम जब चारे पर लगेगा तब सेल करेंगे। देखिए जब जानवर बच्चा होगा ना तब हम उनका डील कर लेंगे, सही, पर उनको दूध पिला के हम देंगे, यानी कि जब चारे पे लग जाएगा तब आप सेल करेंगे, पर दूध हम पूरा पिला के देंगे। सही है, ये बड़ा बेहतरीन है भाई, क्योंकि बाज़ दफ़ा आपने भी देखा है मंडी के अंदर के व्यापारी हज़रात भाई छोटे बच्चे माँ से लैदा करके बेचते हैं लेकिन वो सरासर जुल्म है और ज्यादती है। देखिए आप इस तरह अपने ही ब्लड लाइन को खराब करें, बिल्कुल, और क्वालिटी कम करेंगे ऐसे ही। एहसन भाई मुझे ये बताएं ये सेटअप बने को कितनी देर हो गई है? मैं भाई इस सेटअप को तकरीबन इस वक्त जो फ्लॉक के साथ हम रन करते हुए जानवर के साथ 3 से 3.5 माह हो गए।
ठीक है, पर इसकी कंस्ट्रक्शन का काम तकरीबन 6 माह पहले से जारी था, और इसका जो आइडिया जो ड्राई था, आइडिया पे वर्किंग हमारी 1.5 साल पहले से जारी है। और मुझे ये बताएं कि इतने अरसे में आपने क्या खोया क्या पाया? मैं भी इससे पहले जो हमने फ्लॉक रखा था तकरीबन 80 जानवरों का यहाँ पे फ्लॉक रखा हुआ था, वो सारे मेल थे, हमने रखा हुआ था रेयरिंग के लिए, हमने कहा कि मीट के लिए इनको रेयर करेंगे, इनका वेट बढ़ाएंगे, वेट गेन कराएंगे, फिर हम आगे मीट के लिए सप्लाई करेंगे। पर मसला ये है कि पर हमने जो मार्केट को स्टडी किया यहाँ पे कि कसाई हजरात क्या कर रहे हैं, किस तरह का गोश्त आगे डिलीवर कर रहे हैं, तो वो फिर हम जैसे लोगों के लिए वो प्रॉफिटेबल नहीं है। वो इस तरह है कि हम देखें, जो आप अच्छी ब्रीड रखेंगे उसी में ग्रो करना है, जो मिक्स ब्रीड रखेंगे जिसको दोगले वगैरह कहते हैं वो इतना ग्रो नहीं करते, ठीक है, वो आपको प्रॉफिट नहीं दे सकते। तो हमने जब ब्रीडिंग करनी है मीट की, तो वो आपको प्रॉफिट किस तरह देंगे, अच्छी ब्रीड रख के करेंगे तो फिर ही प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट आपको कसाई लेने नहीं देंगे, क्योंकि कसाई की रिक्वायरमेंट नहीं है हमारा। बिल्कुल। और मुझे ये बताएं इसमें आपने लॉस उठाया फर्स्ट पे? हाँ जी, मैं भी हमने तकरीबन लॉस उठाया काफ़ी, पर ये कि पहले बीच में एक किस्म के मतार गए थे कि यार क्या काम है, लोग हमें सपोर्ट भी नहीं कर रहे, व्यापारी हजरात कसाई हजरात, पर फिर भी हमने कहा चले फिर अब ब्रीडिंग की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या। यहाँ पे ये है कि काफी लोग मेरे से भी रब्ता करते हैं कि हम ना मीट के ऊपर काम करना चाह रहे हैं, उनको क्या मशवरा देंगे आप? उनको मशवरा ये दूंगा मैं कि अगर आपने मीट के लिए काम करना है तो सिर्फ बड़ी ईद उसके लिए काम कर सकते हैं, बड़ी ईद पे अपना बकरा बेचें और मीट के लिए चला जाए। अगर आप मार्केट में सप्लाई करने के लिए करना चाहते हैं तो आप सबको मशवरा ये है कि आप अपने एरिया को समझें, जाके देखें आपका किसाई आपको क्या खिला रहा है, फिर आप डिसाइड करें कि आप इसमें काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। किसाई तो भाई मुझे पता है कि पीपीआर वाले जानवर जब से एंड होने वाले होते हैं वो वहां से उठाते हैं और मार्केट के अंदर ले, देखिए आप जब तक अच्छी ब्रीड नहीं रखेंगे अच्छा ग्रो नहीं करेगा। बिल्कुल ऐसे, ठीक है, तो आप मीट पर किस तरह काम कर सकते हैं? कामयाबी नहीं है। एहसन भाई जुनसा मीट के ऊपर काम किया है, उसमें कौन से एनिमल लेके आए थे, किस जगह से लेके आए थे और कितनी एज वाले थे? मैं भाई हमने जब मीट का मीट पर्पज के लिए शुरू किया था तो साइंटिफिकली और जो इंफॉर्मेशन हमारे पास मौजूद है कि जो मक्खी चीनी ब्रीड है वो अच्छी मीट के लिए, मतलब मीट गेन वेट गेन अच्छा करती है बाकी मीट की नस्बत, तो हम मक्खी चीनी लेके आए मदरसा मंडी से, हमने 80 जानवर से इकट्ठे उठाए तो वो हमने सारे इकट्ठे यहाँ रखे। किस एज के थे वो? मैं भाई ऐसे सारे जानवर तकरीबन 4 से 6 माह के दरमियान थे सारे जानवर, इसलिए हमारा प्लान ये था कि हम 2 महीने रखेंगे, इन्हें रेयर करेंगे, फिर इनको हम आगे सेल करेंगे मार्केट। सबसे पहले अपनी लोकेशन शेयर कर दें अगर कोई दोस्त आना चाह रहा है आपका सेटअप विजिट भी करना चाह रहा है। मैं भाई हमारी ये लोकेशन है फैसलाबाद में समनाबाद के पास रसाले वाला रोड है, और इसको हमारे फार्म को एयरपोर्ट की जो बैक साइड है ये रसाले वाले रोड पे, और जहाँ पे एयरपोर्ट खत्म होता है वहाँ पे हमारा फार्म शुरू हो जाता है मेन रोड के ऊपर ZA फार्म्स के नाम से। और अपना नंबर वगैरह शेयर कर दें। नंबर है जी सर 0308 और 6369544। इसमें व्हाट्सएप कॉल दोनों ही है, ZA फार्म्स का नंबर है ये दोनों चीज़ें।